हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, अब टेक्सोनॉमी कैटेगरी 1.3 हमारा टॉपिक है। किसका? हमारा द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी कैटेगरी में जैसे हम दो लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, वैसे हम टेक्सोनॉमी कैटेगरी में भी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। ठीक है, अब देखो यहाँ से, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप है या नहीं है? तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, नॉट। ठीक है, स्टेप्स इन विच इच स्टेप्स रिप्रेजेंट रैंक। अब हर स्टेप अपना एक रैंक और कैटेगरी शो करता है, हर स्टेप्स अपना क्या रैंक और कैटेगरी शो करता है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट। टेक्सोनॉमी क्या है? नहीं, कैटेगरी एक क्या है? पार्ट है। किसका? ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पे डेफिनेशन हो जाता है इसका, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर का, अब सारे कैटेगरी जब मतलब टेक्स मतलब कैटेगरीज मिल जाती है एक साथ, तो क्या होता है, उसे टेक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं। अब टेक्सोनॉमी हायरार्की किसे कहते हैं पता चल गया, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी किसे कहते हैं। अब टेक्सोनॉमी हायर की एक साथ जब मिल जाते हैं सारे कैटेगरीज, तो उसे कहते हैं टेक्सोनॉमी हायर की। लेकिन वही अगर ओवरऑल अरेंजमेंट होता है टेक्सोनॉमी का उस कैटेगरी का, तो उसे कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे मेन बन जाते हैं कि ये एक ये और बीच में यहाँ पे ये क्या क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है इच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इच कैटेगरी नहीं, हर एक कैटेगरी का अपना एक क्लासिफिकेशन होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इनफैक्ट रिप्रेजेंट जिसको रैंक से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज कॉमनली टर्म है, जिसको कॉमनली एक टर्म नाम दिया गया है टेक्सॉन। टेक्सॉन जिसे हम प्लूरल फॉर्म में टेक्सा भी कहते हैं, टेक्सा टेक्सॉन टेक्सा। ठीक है, अब देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड टेक्सोनॉमिक हायरार्की कैन बी स्टूडेड इज एग्जाम्पल इंसेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लिया गया, एग्जाम्पल किसका लिया, इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल लेके बताया गया। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप, इंसेक्ट्स एक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है इंसेक्ट्स का, जैसे एक ग्रुप होता है पूरा, तो इंसेक्ट्स के ग्रुप में कितने सारे इंसेक्ट्स आते हैं, यानी कि बहुत तरह के ग्रुप है इंसेक्ट्स आ जाते हैं इंसेक्ट्स ग्रुप में। तो इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक, जैसे थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं किसमें, इंसेक्ट्स में थ्री पेयर यानी कि छह लेग्स होते हैं, यानी कि थ्री पेयर ऑफ लेग्स, तीन इधर होता है। ठीक है, इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंसेंट्रेट ऑब्जेक्ट्स, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। इसी को रैंक और कैटेगरी कहा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितना बना, यहाँ से बनाना क्वेश्चन। ठीक है, कैन यू नेम द अदर सच ग्रुप्स ऑफ, ऐसे हम सच कुछ ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म्स का नाम बता सकते हैं। ठीक है, रिमेंबर अ ग्रुप और रिप्रेजेंट कैटेगरी। अब ग्रुप रिप्रेजेंट करता है किसको, कैटेगरी को। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स, कैटेगरी को डिनोट्स किया था किससे, रैंक से। इच रैंक, हर एक रैंक का अपना एक अलग टैक्सोन हो, यानी कि एक रैंक रैंक को ही क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लास में दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मर्ली मोर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। कुछ खास नहीं है आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल स्टडी ये दूसरी चीज हो जाती है हमारी, दूसरी चीज। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल स्टडी ये दूसरी चीज हो जाती है हमारी। टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम। इसमें क्या आता है, किंगडम। अब टेक्सोनॉमिक स्टडीज की जाती है, स्टडीज के बेसिस पे क्या आता है, किंगडम, फाइलम, फाइलम। ठीक है, फाइलम हो गया, डिवीजन हो गया, डिवीजन। अब डिवीजन किसके लिए, प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, फाइलम एनिमल के लिए यूज किया जाता है, किंगडम फाइलम। ठीक है, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसी, ये सिक्वेंस एक्चुअल में याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ट्रिक बताऊंगा याद रखने का। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। अब देखो कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म्स, जितने ऑर्गेनिज्म्स हैं उसके इंक्लूडिंग प्लांट्स और एनिमल्स, सारे जितने भी किंगडम है सब, यानी कि किंगडम सीधी सीधी बात कहा गया, तो किंगडम सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आता है। किंगडम इज द लोएस्ट कैटेगरी, यानी कि इसमें अगर हम लिखें तो किंगडम, किंगडम इज द लोएस्ट कैटेगरी, तो सबसे नीचे वाला कैटेगरी कौन सा होगा, किंग, वो किंगडम। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है,
इसके बाद देखो यहाँ पे, नाउ द क्वेश्चंस यू मे आस्क हाउ टू प्लेस इन वेरियस कैटेगरी। अब इस वेरियस कैटेगरीज में कैसे डाला गया था, बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एग्जाम्स, दिस कैन हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटी। इसको आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें क्या सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है। आपका कोई दो एनिमल्स मिलता है हमको, तो उसमें फाइंड किया जाता है कि इसमें सिमिलर क्या मिलता है, सिमिलर कैरेक्टर कुछ मिलता जुलता है या कुछ डिसिमिलैरिटीज भी है, ठीक है। तो वो चेक किया जाता है, इसके हिसाब से वहाँ पे स्पीसीज चेक की जाती है, फैमिली जीनस चेक की जाती है, ठीक है। तो क्लास, फैमिली, ऑर्डर, ये सब किंगडम, फाइलम, ये सब चेक की जाती है, ठीक है। डिसिमिलैरिटी अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गन्स एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गन्स, तो ऐसे एक जैसे में भी और सिमिलर, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पता लगा के तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये कौन से किंगडम का है, ठीक है, कौन से फाइलम का है, कौन सा जीनस है, कौन सा स्पीसीज है, ये सब, कौन सा फैमिली है, कौन सा ऑर्डर है, ये सब पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ स्पीसीज स्टार्ट करने से पहले हम इसका पूरा टेबल जो है हमारा इस पर देखते हैं। अब देखो टेबल देखते हैं, देखो ये टेबल है हमारा। अब टेबल देखो ये है किंगडम, फाइलम, क्लास, फाइलम, डिवीजन किसके लिए यूज़ किया था, प्लांट्स के लिए यूज़ किया था, बताइए तुम्हें, ठीक है, प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज़ किया था प्लांट्स के लिए। अब देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी, अब याद रखने का, ये देखो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ गया तो ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में कहलाता है, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है, लेकिन वही ऊपर से टॉप टू बॉटम नीचे आता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसको याद रखने का क्या तरीका क्या है, देखो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, तो टैक्सोनॉमी की कैटेगरी याद रखने का तरीका है क्या, अब देखो PCO फंगस, अब देखो इसको क्या रख सकते हैं, इसको रख दो PCO फंगस, PCO फंगस, FGS। अब PCO से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो PCO फंगस हम ऐसे कर सकते हैं, PCO फंगस, PCO और इसको PCO और इसको क्या कहते हैं फंगस पढ़ सकते हैं, फंगस, PCO फंगस, इसको ऐसे मतलब PCO फंगस, तो इसको याद रखने का तरीका है, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्पीसीज से, देखो स्पीसीज, अब देखो यहाँ से एक एक करके पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर, अब एक दूसरे से जैसे स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया ना, ऐसे क्या होते हैं इंक्रीज करते हुए एक दूसरे से आपस में लिंक्ड है, एक दूसरे से आपस में लिंक्ड है। तो टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अब कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का अपना 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 अलग ग्रुप होगा, ठीक है, ऑर्गेनम्स का, ठीक है, विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होगी किसकी, स्पीसीज की, कुछ फंडामेंटल क्या होगी सिमिलैरिटीज होगी स्पीसीज की। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं यानी कि बनावट कैसा होता है, उसका बनावट कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, वो देखा जाता है मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजी देखी जाती है। लेट अस कंसीडर, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका हमारे पास मैंगो आ गया, सोलेनियम ट्यूबरेशन जिसे पोटैटो कहते हैं, ठीक है, अब पेंथेरा लियो लॉयन आ गया, अब देखो सब में आगे पढ़ेंगे ना, ट्यूबरेशन है, लियो है ना, अब जब मैं ज़्यादातर में देखो ना ये लगेगा पेंथेरा लगेगा, ठीक है, पेंथेरा लगेगा, सोलेनियम लगेगा ज़्यादातर, ठीक है, ये सब लगेगा, ट्यूबरेशन ही चेंज होगा, ठीक, मेन जीनस होगी ना सेम होगी देखना ज़्यादातर। अब ऑल द थ्री नेम्स हो गए, जैसे इंडिका हो गया, देखो इसमें इंडिका आ गया, अब इसमें मेनली स्पीसीज की बात हो रही है तो स्पीसीज की बात करेंगे, तो मेनली इंडिका हो गया, इसमें ट्यूबरेसम हो गया, टोरोसम हो गया, लियो हो गया, ये सब क्या, ये सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक एपिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड्स मैग्नीफेरा, सोलेनम, पेंथेरा और जेनेरा, अब फर्स्ट वर्ड क्या है, जेनेरा है, रिप्रेजेंट करता है उसको हायर लेवल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, तो स्पीसीज हायर लेवल, लोएस्ट लेवल कौन था, किंगडम था, हायर लेवल कौन सा है हमारा, हायर लेवल हो गया कौन सा, ये आ गया जेनेरा हमारा, ठीक है, तो हायर लेवल में जेनेरा आ गया, रिप्रेजेंट द हायर लेवल कैटेगरी। इच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिडेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गन्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, फॉर एग्जाम्पल पेंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिडेट कॉल्ड टिग्रस। अब क्या क्या पढ़ते हैं इसको, पेंथेरा टिग्रस यानी कि टाइगर के लिए हो गया, ठीक है। ऐसे सोलेनियम इंक्लूड्स क्या गया, सोलेनियम निरिजियम, ठीक है, सोलेनियम स्पीसीज लाइक निरिजम, निरिगम एंड मेलेंजेना है, मेलेंजेना, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स बिलोंग करता है किस पे, होमोसेफियंस जैसे कहते हैं ह्यूमन बींग्स, तो होमोसेफियंस क्या हो गया, जीनस हो गया इस पे।
अब विच इज ग्रुप टूगेदर जीनस, जीनस इसका हो गया यानी कि एक जीन क्या हो गया स्पीसीज हो गई, एक जीनस, जीनस और स्पीसीज हो गई। तो बाद में जो आ रहा है ये सेपियंस जो है इसके स्पीसीज हो गई, लेकिन होमो क्या आ गया जीनस आ गया। तो साइंटिफिक नेम ह्यूमन बींग्स का क्या आता है होमो सेपियंस। एक चीज याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बनेंगे, तो इसमें ना जितने हमारे पास साइंटिफिक नेम दे रखे हैं ना वो सब याद होने चाहिए एक्चुअल में ठीक है। एक्चुअल में सारे साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए, बायोनॉमिकल नेम जो होते हैं वो सारे याद होने चाहिए हमें एनसीईआरटी में एटलीस्ट जो दे रखा है वो ठीक है। ये हो गया, अब जीनस पे आते हैं, देखो जीनस पढ़ते हैं, अब जीनस पे आते हैं। अब जीनस क्या था, जीनस कंप्राइज एज अ ग्रुप रिलेटेड टू, अब जीनस क्या लिंक्ड है, जीनस स्पीसीज, जीनस स्पीसीज ठीक है। तो जीनस लिंक्ड है उससे, स्पीसीज जीनस लिंक्ड है। अब देखो जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज, अब ज्यादातर करेक्टर कॉमन है किससे, स्पीसीज से मिलते अदर जेनेरा। वी कैन से डेट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल पटेटो, पटेटो क्या है, पटेटो आलू ठीक है। सोलेनियम पढ़ते हैं उसके लिए, सोलेनियम ट्यूबरसम। ब्रिंजन के लिए भी पढ़ते हैं हम क्या, ब्रिंजन के लिए, ब्रिंजन के लिए भी पढ़ते हैं हम, सोलेनियम ही पढ़ेंगे ठीक है। टू डिफरेंट, अब ब्रिंजन के लिए भी सोलेनियम ही पढ़ेंगे, टू डिफरेंट स्पीसीज बोथ बिलोंग टू सोलेनियम, जैसे लॉयन के लिए और टाइगर के लिए हम क्या बताते हैं पेंथेरा ही पढ़ते हैं, पेंथेरा टिग्रस हो जाता है, पेंथेरा लियो हो जाता है। आप लेपर्ड के लिए भी पेंथेरा पार्डस भी पढ़ते हैं ठीक है, इसके लिए देखो पेंथेरा टिग्रस पढ़ते हैं। तो ये हमें याद होने चाहिए। विथ सेवरल कॉमन फीचर्स ऑल स्पीसीज पेंथेरा जीनस डिफर फ्रॉम अदर फेलिस, फेलिस अब फेलिस अब किस में आता है, फेलिस नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट मतलब फैमिली में आ जाता है ठीक है। फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स, अब ये हमारे जीनस से आ जाता है अनदर जीनस फेलिस, फेलिस किस कहते हैं, फेलिस कैट का आता है वही कैट, फिर उसके लिए कैंडिडा यूज करते हैं हम डॉग के लिए ठीक है। तो फेलिस कैट के लिए होता है, तो ये हमें याद होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से ठीक है। यहाँ से तो ये जितने हैं ना, यहाँ से जितने साइंटिफिक नेम ये पूछा हुआ है ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से ठीक है। फिर आता है फैमिली ठीक है, फैमिली, अब फैमिली देखो, फैमिली द नेक्स्ट कैटेगरी हमारे फैमिली है। द फैमिली हैज अ ग्रुप रिलेटेड टू विद स्टिल, अब फैमिली जरूरी है ठीक है, मेनली तो हमें स्पीसीज जीनस याद होने चाहिए मेनली। फैमिली का कभी कल क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछता लेकिन पूछ लेता है ठीक है, तो जहाँ से पूछेगा मैं बताऊंगा जरूर ठीक है। द फैमिली हैज अ ग्रुप रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, बहुत कम सिमिलरिटीज होता है, तो साफ साफ पता चल जाता है कि किस फैमिली, इसकी फैमिली अलग, जैसे सोलेनेसी फैमिली हो गई हम पढ़ेंगे, फैलिडी फैमिली होगी, कैंडिडी फैमिली होगी, तो सब फैमिली होती है, तो मैं बताऊंगा अभी सिमिलरिटीज होती है कुछ, बहुत ही कम सिमिलरिटीज होती है कंपेयर टू जीनस और स्पीसीज, ज्यादातर मिल जाते हैं तो उससे पता चलता है, इसलिए जीनस और स्पीसीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फैमिलीज आर कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज, अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंट थ्री डिफरेंट जेनेरा, तीन डिफरेंट जेनेरा हमारे एग्जाम्पल दिया गया इसमें, एक तो सोलेनम पिटूनिया ठीक है, धतूरा ठीक है, आर प्लेस्ड इन द फैमिली, अब ये सोलोनेसी फैमिली में प्लेस करते हैं, तो ये अलग से ऐसे लिख सकते हैं, सोलोनेसी फैमिली में कौन कौन से है, जैसे लिख सकते हैं हम सोलोनेसी फैमिली में एस ओ एल ए एन, सोलोनेसी फैमिली में कौन कौन से आ जाते हैं मेन, मेनली आ जाते हैं हमारे क्या, सोलेनम एस ओ एल ए एन यू, सोलेनम आ गया, इसके बाद क्या आ जाता है पी यू पी टी यू एन आई ए पिटूनिया ठीक है। अब ये क्या आ गया दूसरा, धतूरा डी ए टी यू आर ए धतूरा ठीक है, ये हमारे सोलेनेसी फैमिली में आ जाता है, तो ये याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ, पूछ भी सकते हैं यहाँ से ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है क्वेश्चन ठीक है। एमोंग एनिमल्स में ऐसे एग्जाम्पल है, तो जीनस का एग्जाम्पल है तो पेंथेरा कंप्राइजिंग लॉयन टाइगर लेपर्ड स्पूटेला, अब पता ही तो मैं इसमें पढ़ लिया, तो ये सब हमारे विद जीनस में आते हैं, ये सब किस कैटेगरी में, फेलिस यानी कि कैट फैमिली में आ जाते हैं, फेलिस फैमिली, फेलिस फैमिली को फेलिडी फैमिली कहते हैं, कैट वाले फैमिली को फेलिडी फैमिली कहते हैं ठीक है। अब एफ से क्या होता है, फेलिस एफ से फेलिडी, अब तो इससे तो पता लगा सकते हैं इससे इजिली। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग, अब ये कैट एंड डॉग का फीचर्स तो मिल जाता है ना भाई, यू विल फाइंड द सम सिमिलरिटीज, को सिमिलरिटीज ढूंढ लोगे लेकिन सम डिफरेंसेस वेल, अब कुछ हमें डिफरेंसेस मिल जाते हैं। दे आर सेपरेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट फैमिली, दो डिफरेंट फैमिली, जैसे एक हमारी ये कैट फैमिली हो गया, एक कौन सी फैमिली होगी, कैट की फैमिली होगी, कैंडिडा फैमिली होगी, किसकी होगी, डॉग की फैमिली होगी ठीक है, तो डॉग की फैमिली होगी, तो ये दो फैमिली है अलग अलग ठीक है, तो इस फैमिली के बारे में याद रखना। इसके बाद हमारा आता है ऑर्डर, अब ऑर्डर, ऑर्डर जरूरी है, ऑर्डर याद रखना। अब क्या है, यू हैव सीन अर्लियर द कैटेगरीज लाइक
स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज हमने पढ़ लिया, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कलेक्टर, ये सिमिलर कलेक्टर के बेसिस पे ही होते हैं, लेकिन जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स कैरेक्टर, ये दूसरे कैरेक्टर कैरेक्टर के बेस पे ही आते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर एक हायर कैटेगरी हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से, इज असेंबलेज द फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा, इंक्लूडेड इन अ फैमिली द प्लांट फैमिलीज लाइक, प्लांट फैमिली देखो फैमिली के नेम, प्लांट फैमिलीज के कुछ कॉन्वलेसी फैमिली आते हैं, कॉन्वलेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, आलू वाले जो फैमिली आते हैं सोलेनेसी फैमिली, ये पोटैटो फैमिली कहते हैं सोलेनेसी फैमिली को, कि सोलेने में आता था ना ब्रिंजल पोटैटो, ये सब सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। कॉन्वलेसी में देखो क्या क्या आते हैं, ठीक है। इसका एक कुछ साइंटिफिक नेम का चार्ट दे रखा है, वो भी हम पढ़ेंगे। आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिमोनियल्स मेनली ऑन द फ्लोर कैरेक्टर, फ्लोर कैरेक्टर्स, ठीक है। द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड द फैमिली फेलिडी कैंडिडे, ये सब हमने पढ़ा है, तो इसमें कुछ खास नहीं, एक यहाँ भी खास है, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर हो गया हमारा। अब इसके बाद आते हैं क्लास, क्लास क्या है देखो, क्लास दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर पे लेबल, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइम प्राइ का मतलब होता है प्राइमेटा, यानी कि पहले, जैसे प्राइमेटी कंप्राइजिंग जैसे मंकी गोरिल्ला गिवन, ठीक है, इस प्लेस इन द क्लास ऑफ मैमलियन फैमिली में आ जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि मैमल, अगर हम इस फैमिली क्लास के बारे में तो हम अच्छे से एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे ना, एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम, तो अच्छे से उसमें पता चल जाएगा अपने इसके क्लास के बारे में, ठीक है। तो उसमें अच्छे से और अच्छे से पता चल जाएगा क्लास के बारे में। अलॉन्ग द ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर कैट डॉग, अब कार्निवोरा कौन कौन से आते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, टाइगर कैट डॉग, ये सब आते हैं। क्लास फैमिली हायर ऑर्डर आल्सो, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है, नेगे जो एनिमल किंगडम हमारा उस पर, ठीक है। अब आता है हमारा फाइलम, अब फाइलम देखो, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज आ गए इसमें, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स अलॉन्ग विद एमिमल्स कंसिड्यू द नेक्स्ट हायर कैटेगरी आर कॉल्ड फाइलम, नेक्स्ट हायर कैटेगरी फाइलम, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान आए यहाँ ध्यान। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होता है, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम कहता है नोटोकॉर्ड। अब तुम समझते हो वर्टिबल कॉलम, तो वर्टिबल कॉलम ही नोटोकॉर्ड कहला जाता है, ठीक है। डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है, डॉर्सल होलो न्यूरल, वही हमारे जो वर्टिबल कॉलम है तो डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है, नर्व किया जाता है उसमें, स्पाइन कहते हैं, आर इंक्लूडेड, वो तो एनिमल किंगडम में इसको और अच्छे से पढ़ोगे तुम, ठीक है। फाइलम को आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा क्या होता है उसमें अच्छे से पढ़ोगे तुम। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड एज अ हायर कैटेगरी आर कॉल्ड डिवीजन, आप फाइलम किस के लिए, प्लांट के लिए पढ़ते हैं, डिवीजन एनिमल्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फाइलम किसके लिए होता है, प्लांट के लिए होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं किंगडम पे, ठीक है, देखो किंगडम पे, अब देखो पहले ना ये ऑर्डर सबसे पहले याद रख लो, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, ये अरेंज करने को भी पूछ सकता है, ये अरेंज करके मतलब अरेंज करके दिया रहेगा, कभी बीच से गायब करके मिस्टेक इधर उधर कर सके, ये भी पूछ सकते हैं, यानी कि तीन चार टाइप के तरह के मतलब क्वेश्चन इसका बन सकता है, पूछा गया 2020 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, ठीक है। तो इसको जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अब किंगडम पढ़ते हैं, किंगडम क्या है, ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हायर कैटेगरी आर कॉल्ड किंगडम फाइला, हाईएस्ट कैटेगरी में आता है। द इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम एनिमल्स द किंगडम प्लांट है इन ऑर्डर, अब इसमें तो किंगडम पता है तुम्हें, एक प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम है, ठीक है, मेनली दो किंगडम है, ठीक है। किंगडम काफ़ी ज़्यादा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आरएसवीटी करने दी थी, तो एक दो से लेके शुरुआत है, तो हम आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस चैप्टर में मैं पढ़ताऊँगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, थ्री किसने दी थी, फोर किसने की दी थी, फाइव किसने दी थी, सिक्स किसने दी, वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया हायर कैटेगरी कॉल्ड एनिमल किंगडम एनिमल इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम एनिमल्स द किंगडम प्लांट ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, ठीक है, एंड हैंस फोर्थ वी विल रेफर टू दिस ग्रुप्स एज एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम विद स्पीसीज इन अ फिगर 1.1, और इसमें दे रखा है, ठीक है। द ब्रॉड कैटेगरीज हाउएवर टैक्सोनॉमिक हैव ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट of various taxa, look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of
द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन। तो कुछ खास नहीं है इसमें, मैंने इसलिए कुछ नहीं बताया, इस पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, कहाँ से आता है मैं बताऊंगा। डिक्रीजिंग, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है क्या? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और एसेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैंने दोनों बता दिए हैं कैसे होता है, दोनों तरीके से तुम्हें याद करने। ठीक है, यानी कि स्पीसीज से शुरुआत होता है, मेन स्पीसीज से मेन शुरुआत होता है, किंगडम पे लास्ट खत्म है, यानी कि शुरुआत स्पीसीज से होता है, किंगडम लास्ट होता है। ठीक है, तो याद रखें, अगर उल्टा भी ऐसे किंगडम फाइलम, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो लोअर टैक्सा टैक्सल मोर, लोअर टैक्सा मोर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हायर कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी, हायर कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द अदर टैक्सा ऑफ सेम लेवल, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म्स के ना हमारे बायोलॉजिकल नेम दे रखे हैं, फैमिली जीनस ऑर्डर क्लास सब बता रखा, तो ये चार्ट तुम्हें किसी भी हाल में याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे मैन का होमो सेपियंस, अब होमोजीनस हो गया, सेपियंस क्या होता है हमारा जी स्पीसीज, तो होमो सेपियंस, अब कौन सी फैमिली है, होमिनिडी फैमिली है। ठीक है, होमिनिडी फैमिली, होमिनिडी फैमिली, डी ए ई, देखो ए ई लास्ट में लिखा है। ठीक है, ए ई से पता चलता है कि फैमिली, ए ई सब में ए ई लगा हुआ है, ए ई फैमिली लगा, अब किसी में ए सी ई, ए सी ई से ही पता चलता है, इसमें जैसे ए सी ई ए ई से पता चलता है। ठीक है, इससे पता चलता है जैसे ऑर्डर है इसका, ऑर्डर क्या है, जैसे प्राइमेटा हो गया इसका, क्लास इसका मैमलिया, और फाइलम कौन सा है, डिवीजन कौन सा है, कॉर्डेटा, ऐसे ये हो गया। ये हॉर्स फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मस्का इसका हो गया जीनस, मस्केडिया हो गया इसका क्या फैमिली, और ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, डिप्टेरा। ठीक है, अब डिप्टेरा हो गया, इंसेक्टा इसका हो गया क्लास, और अर्थोपोडा हो गया इसका डिवीजन। ठीक है, फाइलम मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा हो गया जीनस, एनकार्डियसी हो गया इसका क्या फैमिली, और एसेफेडियल्स क्या हो गया इसका ऑर्डर, और डाइकोटिलेडन यानी कि डाइकोट हो गया ना इसका क्या हो गया, ये क्लास हो गया, एंजियोस्पर्मी क्या हो गया इसका फाइलम हो गया। वीट ट्राइक्टम एस्टिवम, ठीक है, वीट गेहूं जिसे कहते हैं। ठीक है, ट्राइक्टम पोएसी फैमिली का, पोएसी फैमिली, पोएल्स, ठीक है, पोएल्स मोनोकोटिलेडनी, ठीक है, मोनोकोट, मोनोकोट फैमिली का है, मोनोकोटिलेडनी कहते हैं, एंजियोस्पर्मी में आता है, देख लो। ठीक, तो ये टेबल तो खासतौर से याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये टेबल याद होना ही चाहिए हर हालत में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। देखो इसमें से सबसे ज़्यादा बताऊँ तो मैंगो का, हॉर्स फ्लाई का सबसे ज़्यादा पूछा गया, सबसे ज़्यादा इन दोनों का पूछा गया, सबसे ज़्यादा। ठीक है, पूछा इनसे भी गया लेकिन सबसे ज़्यादा हॉर्स फ्लाई, अब मैंगो का, मैंगो का तो इतना पूछा गया कि मैंगो का तो साइंटिफिक नेम ही इतना बार पूछ लिया है, सही और गलत में फ़र्क पहचानने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और आगे हम टैक्सोनॉमिकल 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।